बेटमा नगर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह अहिर समाज ने तो रात को गौली यादव समाज ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। बारिश के चलते सुबह अहिर समाज की शोभा यात्रा 2 घंटे देरी से प्रारंभ हुई। मंडी प्रांगण से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में ऊट अश्व बैंड बाजे झांकी आकर्षण का केंद्र रही। डीजे पर भक्ति गीतों पर युवा युवतियां महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही थी। शोभा यात्रा में आदिवासी समाज का लोक नृत्य आकर्षित कर रहा था। शोभा यात्रा का अनेक स्थान पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। नगर में इस आयोजन का यह 17वां वर्ष था। शोभा यात्रा में नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी संख्या में समाजजनों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में युवक अखाड़े पर प्रदर्शन कर बनेटी घुमाते हुए भी चल रहे थे। यात्रा का समापन चौधरी समाज की धर्मशाला में महाआरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। वहीं रात को गौली समाज की शोभा यात्रा छोटे बालाजी मंदिर सागर रोड से प्रारंभ हुई, जो अंबेडकर चौराहा इंदौर रोड राजवाड़ा होती हुई गौली मोहल्ला पहुंची। शोभा यात्रा में समाजजन पारंपरिक रूप से डंडे खेलते हुए नजर आए। इस अवसर पर मटकी फोड़ का आयोजन भी किया गया। अंत में गौली मोहल्ले में शोभा यात्रा का समापन महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ किया गया। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।
देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।